दोस्तों, यदि आप डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह से परेशान हैं तो आपको आज मैं बहुत ही आसान सा घरेलू तरीका बताने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप आसानी से अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल में रख सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, बस कुछ सेटअप एक्सरसाइज है जिसको कि आपको ध्यान से देखना है और बिल्कुल उसी तरह से करना है जैसा कि मैं वीडियो में आपको बताऊँगा। दोस्तों, इस एक्सरसाइज को किसी भी उम्र के लोग कर सकते हैं, बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि खाना खाने के आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद इस एक्सरसाइज को नहीं करना है, बाकी आप किसी भी टाइम इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर यदि नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जो सबसे पहला पॉइंट है वो हमारे हाथ में है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने हाथ को इस तरह से आप मोड़ लीजिएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं सिलवट जो बन रही है, इसी सिलवट में बाहरी साइड में यानी कि यहां पर पॉइंट ध्यान से देख लीजिए, हाथ मोड़ने के बाद जो ये वाली जो बन रही है सिलवट, इसी के बाहरी साइड में बिल्कुल यहां पर ऐसे करके आपको अपने अंगूठे की सहायता से ऐसे करके दबाना है। यहां दबाएंगे तो हल्का आपको दर्द का अनुभव हो सकता है और एक मिनट तक इसको दबाएंगे, इसके बाद इसको रिलीज कर देंगे। दोस्तों, ऐसा हमें दोनों हाथों में करना है, राइट और लेफ्ट दोनों में। सिंपल क्या करना है, हाथ को ऐसे मोड़ लेना है और जो ये धारी बनेगी इसी के बाहरी साइड में अपने अंगूठे की मदद से ऐसे करके दबाना है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट भी हमारे हाथ में ही है, हाथ में कलाई के पास, ये जो छोटी वाली उंगली है इसके सीध में कलाई के पास से ऐसे करके दो अंगुल ऐसे नाप लीजिएगा और बिल्कुल ये जो पॉइंट बन रहा है इसी पॉइंट पर आपको अपने अंगूठे की मदद से दबाना है ऐसे करके। ध्यान रखिएगा हथेली को खुला रखिएगा, हथेली बंद नहीं रखना है, हथेली खुली रखनी है। छोटी वाली उंगली के साइड में ये जो आप धारी देख रहे हैं इसी से ऐसे दो अंगुल नाप लीजिएगा और यहां पर आपको दबाना है। एक मिनट तक हम इसको दबाएंगे और इसके बाद इसको छोड़ देंगे। ऐसा आपको दोनों हाथों में करना है, लेफ्ट और राइट दोनों हाथों में ऐसा आपको करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारे पैर में है, पैर को इस प्रकार से रख लीजिएगा और ये जो हड्डी आप देख रहे हैं इस हड्डी से ऐसे करके चार अंगुल नाप लीजिएगा और यहां पर यहीं पर आपको अपने अंगूठे की मदद से ऐसे करके दबाना है। दोस्तों, पॉइंट का ध्यान रखिएगा, आपको इस तरफ वाली हड्डी से नापना है यानी कि जो आपका अंगूठा है उसके साइड में जो ये वाली हड्डी होती है यहां से नापना है चार अंगुल, पीछे की साइड वाली अंगूठी तरफ से नहीं नापना है, सामने वाली साइड से यानी कि अंगूठे वाली साइड से जो ये हड्डी दिखती है इसी हड्डी पर ऐसे करके चार अंगुल नाप लेंगे और जो पॉइंट बनेगा उसी पॉइंट पर अपने अंगूठे की मदद से ऐसे करके दबाइएगा एक मिनट तक। एक मिनट तक दबाने के बाद आपको उसको छोड़ देना है। ऐसा आपको अपने दोनों पैरों में करना है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों, इसके अलावा यदि आप अपना डायबिटीज कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो आपको एक दवाई का नाम मैं बताता हूं, यह एक आयुर्वेदिक दवाई है, करेला जामुन इसका नाम है, यह हर्बल मिक्स है, इसका आपको इस्तेमाल करना है सुबह और शाम। ये दवाई डायबिटीज के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, मैंने अपने जान पहचान में भी सबको यही दवाई रिकमेंड की है और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है, आपको बस एक चम्मच सुबह पानी के साथ इसको लेना है, एक गिलास पानी नॉर्मल या फिर आप इसको थोड़ा सा गर्म करके भी ले सकते हैं और एक चम्मच खा के उस पानी को पी लें, बस इसको इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है, सुबह और शाम आप एक एक चम्मच इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिनको लो डायबिटीज उतनी ज़्यादा डायबिटीज नहीं है वो इसको सिर्फ एक चम्मच लें, ये सिर्फ सुबह में खाली पेट पानी के साथ। इसका दाम भी बहुत ही कम है, 180 के आसपास का ये है। मार्केट में अवेलेबल जितनी दवाइयां हैं उससे ये काफ़ी सस्ता है और इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के उसको आसानी के साथ घर बैठे मंगवा सकते हैं। आप उस लिंक पे बस आपको क्लिक करना है और आप वहां पहुंच जाएंगे और आसानी से इसको खरीद सकते हैं।
तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, और इसके यूजेस के लिए कैसे यूज करना है उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों ये सारे एक्सरसाइज आप करें और जो ये दवाई का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको देखेंगे कि आपकी जो डायबिटीज है वो काफी कंट्रोल में रहेगी और आपको इससे काफी राहत भी मिलेगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करें, और चैनल पे यदि नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके घंटी दबाना ना भूलें, घंटी दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें कि आप तक मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलेंगी। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए नुस्खे के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।